नमस्कार, मैं हूं प्रीति रॉय और स्वागत है आपका स्वदेशवाणी में। दिशा की बैठक में भाजपा विधायक सीपी सिंह अपने अधिकारियों पर भड़क गए और इस कदर भड़के कि उन्होंने उन्हें इस्तीफा दे डालने की चेतावनी तक दे दी। आइए देखते हैं इसकी आगे की रिपोर्ट। दरअसल केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं में अनियमितता की सूचना जनप्रतिनिधियों को मिलती रहती है, जिसे लेकर कई माननीय अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं। बैठक के दौरान रांची विधायक सीपी सिंह ने पीने का पानी और अनाज वितरण में गड़बड़ी मामला उठाते हुए अधिकारियों पर विधायक जी का गुस्सा फूट पड़ा और खुद गलत होने पर राजनीति छोड़ने की बात कही, नहीं तो अधिकारियों को इस्तीफा देने की भी बात कही है। अब बताइए तुम, किसी को भी यदि 20 किलो अनाज मिलना है, 20 किलो अनाज मिलता है, उसको 3 केजी काट के मिलता है, क्यों मिलेगा 3 केजी काट के? यदि किसी को 35 केजी अनाज मिलना है, 5 केजी काट के मिलता है, उसको 30 केजी अनाज मिलता है, क्यों 30 केजी अनाज मिलता है? काहे भैया? तो हमारा वहां शॉर्टेज होता है, हमको वहां देना पड़ता है, हमको वहां देना पड़ता है। सच्चाई है आपका, ये तो पूछवा देंगे। और बोलता है कि कंप्लेन करेंगे, तो बोले जाओ जिससे करना करो। वो भी जानता है कि भैया एमओ को महीना देना पड़ता है, एमओ के माध्यम से डीएसओ और एसओआर के यहाँ पहुंचता है, क्या होगा? अब इसको हम छुपा के रखे? सच्चाई यही है। और कहिए तो चैलेंज मैं करता हूं, यदि सही नहीं होगा तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा, नहीं तो आप इस्तीफा दे दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली देश विदेश की खबरें आपको मिलती रहे। स्वदेश वाणी।